खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। तो किसान बिल के विरोध में जहां आज पंजाब, हरियाणा और कई राज्यों में किसानों का धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, तो वहीं उत्तर प्रदेश में भी भारतीय किसान यूनियन ने इस बिल का विरोध करते हुए पूरे प्रदेश में चक्का जाम करने की घोषणा की है। ऐसे में गाजियाबाद में भी भारतीय किसान यूनियन की ओर से मोदीनगर और गाजियाबाद की हापुड़ चुंगी चौराहे पर चक्का जाम की चेतावनी के बाद शासन और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। इसके चलते हापुड़ चुंगी पर भारी मात्रा में पुलिस बल के साथ साथ आरएएफ और पीएसी बल भी तैनात है। इतना ही नहीं, गाजियाबाद जिलाधिकारी अजय शंकर पांडे ने इलाकों को सेक्टर्स में बांट दिया है। और इसी पर शिव त्यागी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिव, लगातार हम देख रहे हैं कि देश के अलग अलग जगहों से, अलग अलग हिस्सों से तस्वीरें सामने आ रही हैं, लगातार किसान विरोध कर रहे हैं। कोई अगर पंजाब में देखे तो रेलवे ट्रैक पर बैठकर विरोध प्रदर्शन कर रहा है, तो कोई लगातार सड़कों पर बैठकर कर रहा है। फिलहाल अगर नोएडा की अगर हम बात करें तो नोएडा, गाजियाबाद, ये जो तमाम सेक्टर्स हैं, इनमें यहाँ पर किस तरीके से प्रदर्शन देखा जा रहा है? देखिए, भारतीय किसान यूनियन इस समय नोएडा और दिल्ली बॉर्डर पे मौजूद है और यहाँ पे ये अपनी मांगों को लेकर यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली लेके यहाँ पे पहुँचे हैं और इनका कहना है कि जब तक इनकी मांगें पूरी नहीं होगी, इस तरीके का जाम इनका लगातार जारी रहेगा। फिलहाल इनको बॉर्डर पर ही रोका हुआ है। आपको तस्वीरों में एक बार दिखाना चाहेंगे कि भारी तादाद में जो पुलिस बल है वो तैनात है और यहाँ पे ये लोगों की कोशिश है कि अगर पुलिस की तरफ से इनको दिल्ली नहीं जाने दिया जाएगा तो यहाँ पे ये धरना प्रदर्शन बॉर्डर पे ही बैठ के करेंगे। भारतीय किसान यूनियन के कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे, उनसे पूछेंगे भाई आप लोगों को क्या समस्याएं आ रही हैं, क्यों आप लोग ऐसे कर, तो यहाँ पे आप लोगों को क्या समस्या है, क्यों सरकार के खिलाफ है आप लोग? किसान के प्रति जो गवर्नमेंट का रवैया ठीक नहीं है भाई। किसान की आय दुगनी करना चाहते, गवर्नमेंट कहती है कि हम किसान की आय दुगनी करेंगे, हमें ये बताया किस आधार पर दुगनी करेंगे? व्यापारी की तो दुगनी कर दिए, व्यापारी को सब, ये जो सरकार है व्यापारी की सरकार है, किसान को कोई काम नहीं हो रहा, किसान को तो बगलाया जा रहा हो, किसान से झूठ बोला जा रहा हो। हम चाहते हैं कि किसान एमएसपी पे बात कर रही है तो किसान जब मंडी में खरीदे या फिर बाहर खरीदे, व्यापारी खरीदे, तो किसान लागू कर दे कि हम तुम्हें लिखित में दे रहे हैं कि जब बाहर हो या भीतर हो तुम्हें एमएसपी पे ही दवा मतलब मूल्य जो है लेना पड़ेगा तुम्हें। तो किसान व्यापारी की गोद में बैठी है, क्यों नहीं कर रही लागू? किसान की बात कर रहे हैं, किसान जो किसान ने मांग कर रहा हूँ बहुत दिन से कि किसान आयोग गठन होना चाहिए, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश लागू होनी चाहिए। आज तक गवर्नमेंट ने उस चीज़ पर जोर ना दिया, नए नए कानून ला रही है सरकार, जो किसानों की समस्या है उन पर जोर नहीं दे रही है और अन्य जो किसानों की समस्या है उन पर भी बात नहीं कर रही और ऐसे में एक के बाद एक कानून। आप लोगों की क्या मांगे हैं? हमारी सिर्फ सीधी सीधी चार दो मांगे हैं कि हमें एमएसपी का समर्थन मूल्य दिया जाए, उसके ऊपर कानून लाया जाए, हमें आश्वस्त किया जाए कि आपको एमएसपी दुगना मिलेगा। और दूसरी हमारी मेन मांग तो सिर्फ इतनी सी है कि ये तीन अध्यादेश वापस करके आप स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट है, दो दशकों से लंबित है, उन्हें आप लागू कर दें। दो ही हमारी मांगे, इससे कोई ज्यादा कोई मांगे भी नहीं है, हम कोई बहुत ज्यादा नहीं मांग रहे। आप लोग अब दिल्ली नहीं जाने दे रहे, आप लोगों को यहीं रोक दिया है? यहीं रोक दिया जी, आगे जाने के मना कर रहे हैं, जान नहीं दे रहे आगे, यहीं रोक के खड़े हो गए। किसान क्या करे, किसान मजबूर है, परेशान है, धान कट कट के आ रही है, उठी ना रही पड़ी है, भाव आधा। कोरोना टाइम में किसान ने नहीं मदद करी, किसान सबसे आगे आया कोरोना टाइम में भी, अपनी उस समय फसल भी उठाई और मदद भी करी सरकार के कहने पे, और आज परेशानी देख रहे हो जी आप, क्या हो रहा? तो ये किसानों की समस्या है, जो किसान कह रहा है कि हमारी समस्याओं पे बात करने के लिए कोई तैयार नहीं है और ऐसे में जो लोग हैं, केंद्र सरकार है, उनकी तरफ से एक के बाद एक जो बिल पारित करा जा रहा है उसमें किसानों के भले के लिए कोई ऐसा काम नहीं करा गया है जिसका विरोध हम कर रहे हैं। आपको एक बार तस्वीरों में और दिखाना चाहूँगा पीछे कि ट्रैक्टर ट्रॉली लेके जो किसान यहाँ पे पहुँचे हैं उनकी तरफ से यहाँ पे जाम करा गया है और 20 सड़क पे यहाँ पे ट्रैक्टर ट्रॉली लगाई गई है, जो पुलिस की तरफ से व्यवस्था करी गई है। पुलिस को अनुमान था कि कुछ कम किसान आएंगे लेकिन भारी तादाद में जो किसान हैं यहाँ पहुँचे हैं और ऐसे में अब इनको दिल्ली की तरफ कुछ नहीं करने दिया जा रहा है, तो किसानों ने यहीं बैठकर दिया है। यहीं साफ तौर पर किस तरीके से यहाँ पर तमाम किसान जुट गए हैं। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन,
never miss any update.